यूथ कॉर्नर न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। श्रृंगारपुर प्रयागराज वर्दी की पावर दिखाते हुए दीवान अखिलेश मिश्रा ने गरीब दुकानदार की कर दी पिटाई। दीवान की पिटाई का वीडियो तेजी के साथ वायरल हो रहा है। श्रृंगारपुर प्रयागराज उत्तर प्रदेश प्रयागराज जिले के थाना नवाबगंज अंतर्गत श्रृंगारपुर चौकी में तैनात अखिलेश मिश्रा, जो कि दीवान के पद पर है, उन्होंने छोटे छोटे दुकानदारों से अवैध वसूली करते हैं। जो दुकानदार पैसा नहीं देता है उसे मारते पीटते हैं। मारने पीटने का सीसीटीवी कैमरे में कैद वीडियो भी दिखाई दे रहा है। इसी तरह 11 तारीख को शाम करीब 8:30 बजे शिव भवन त्रिपाठी स्व शून्य भगवत प्रसाद त्रिपाठी निवासी रामचौरा घाट श्रृंगारपुर, जो कि उनकी दुकान रानीगंज हाईवे पर है, शाम को लगभग 8:30 बजे अखिलेश मिश्रा दीवान आए और दुकान मालिक को गाली गलौज देते हुए बेल्ट उतार कर मारने लगे। दुकान मालिक शिव भवन त्रिपाठी बार बार दीवान जी से पूछ रहे हैं, मामला क्या है, क्यों मार रहे हो, लेकिन दीवान जी वर्दी का ध्वज जमाते हुए गरीब दुकानदार को मार कर रफू चक्कर हो गए। पीड़ित जाकर चौकी प्रभारी श्रृंगारपुर को पूरे मामले से अवगत कराया। वहां से जब चौकी इंचार्ज से आश्वासन नहीं मिला तो पीड़ित पक्ष द्वारा कमिश्नर प्रयागराज के यहां प्रार्थना पत्र देकर न्याय की गुहार लगाई है। शिव भवन त्रिपाठी ने उच्च अधिकारियों को इस मामले को अवगत कराया, लेकिन अभी तक उच्च अधिकारियों द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई। ग्रामीणों को इंतजार है उच्च अधिकारी संज्ञान में लेकर कोई कार्यवाही करते हैं या नहीं। प्रयागराज से सोनू कुमार की खास रिपोर्ट। आपका क्या नाम है? मुकेश कुमार सोनी। आप मौके पर थे? हाँ जी। अच्छा, क्या वारदात हुई? जी, मारुति से उतरे, बस आए तो दीवान साहब सिंगराव चौकी के दीवान जी उतरे आए। क्या नाम है दीवान जी का? अखिलेश मिश्रा। हाँ, तो आए और कहे सिवान तुम बहुत गुंडा हो, ऐसे बेल्ट हिलाते आए, और हम लोग सोचे कि मारेंगे नहीं, सम्मान किए उनके, कुर्सी पर से हम लोग उतर के खड़े हो गए, यहाँ बैठे रोज चाय पीते थे, हम लोग सम्मान दे रहे थे, उन्होंने सम्मान में सीधा गाली देना चालू कर दिए। गाली देते देते पहुंच गए हमारे होटल मालिक को तुरंत मारना चालू कर दिए। फिर हमसे पूछते हैं कि आप कौन है? हम बोला हम इनका वर्कर हूँ, काम करता हूँ यहाँ, तो हमारे मालिक है। आलू उबल रही थी, हम आलू देख रहे थे, मालिक हमारे प्याज छील रहे थे, बैठे थे छीन उनके जा रहे थे नहाने के लिए, बस इतने में आया, बस बहुत मारा जी, मारने को कोई सीमा ही नहीं, कितना मारा है उसने। हाँ, हम लोग तो खाली उसकी वर्दी अकेले देख के बिल्ला देख के थोड़ा अदब लिहाज सब कुछ किया, कुछ नहीं बोला उसको। हम लोग बोला साहब रोज आते हैं, कोई बात नहीं है जी साहब। हाँ, बहुत जोर है, लेकिन उसने मारना नहीं बात किया। हाँ जी, हाँ जी, हम बैठे ही थे सामने, बिल्कुल दोनों जन सामने ही थे। अक्सर आया करते थे मंडी में, जितनी वालू का लगता है इसके लिए उसी के दौर से जरूर आते हैं, रोज ही आते हैं, लेकिन रुकते नहीं, आपके लेकर ही दिन रुकते हैं। बालू गिट्टी में वसूलने के लिए आते हैं, पैसा वसूलने के लिए। हाँ, चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद जी। क्या नाम है आपका? शिव भवन त्रिपाठी। कहाँ के रहने वाले? रामचौरा घाट। मामला क्या हुआ है? सर, मिश्रा जी ऐसे मारुति खड़ी किए, और कौन है मिश्रा जी? अखिलेश मिश्रा, सिपाही सिंगवेरपुर चौकी। अच्छा जी, बताएं ये कौन, किस नवाब, किस थाना अंतर्गत करता है? नवाबगंज थाना अंतर्गत सिंगवेरपुर पुलिस चौकी प्रयागराज। प्रयागराज आए और हमको जो है बस डायरेक्ट वीडियो हमारा चल रहा, कैमरा चल रहा है, बेल्ट उतारे मारना चालू कर दिए। नहीं तो क्यों मारना चालू कर दिए? हमसे कुछ पैसा कौड़ी मांग रहे थे, हमारे पास बैलेंस नहीं थे। डर बोले कि ये समाज लगा के क्यों बैठे हो, हमारा वर्कर था, कारीगर था, और हमारा नौकर था, एक इलेक्ट्रिक मैन को हमने बुलाया था अपना चार्जर बनवाने के लिए, तो वो चार्जर बना रहा था और हम बैठे थे और स्नान करने जा रहे थे। हम चड्डी पे हैं, अंडर बियर पे हैं, और स्नान करने का एकदम इरादा बना था, तब तक ये पहुंचे और बेल्ट खोल के मारना चालू कर दिए। हम इनसे बार बार पूछते रहे मिश्रा जी क्या बात है, लेकिन इन्होंने बताया नहीं और मारते ही रहे। सर, ये ऐसा क्यों कर रहे हैं? हाँ बताइए। अखिलेश मिश्रा पुलिस चौकी में दीवान है, और चौकी में सिंगरपुर चौकी में। थाना कौन सा है? नवाबगंज। जिला? इलाहाबाद, प्रयागराज जी। कितने दिन से परेशान कर रहे हैं आपको? 6 महीने से। अच्छा, डेली आते हैं? डेली क्या, हफ्ते में एक बार आते हैं। तो क्या कहते हैं जब आते हैं? बुलेट खड़ी करते हैं, बोलते हैं सेव लाना, प्याज लाना, नहीं लाते हैं तो बनर घुरकी दिखाते हैं, आँख तपेड़ के चले जाते हैं, शाम होता है तो दारू पी के आते हैं और ड्रामा करते हैं। अच्छा, और कुछ?
पैसा मांगते हैं। अच्छा, आप दिए हैं कभी? अब हमारे पास है ही नहीं है सर, छोटी सी दुकान है, 2-4-5 रुपए कमाने में। एक बार आए थे, मांग रहे थे पैसा, 10,000 हमने दिया भी उनको। अच्छा, तो कल जो 11 तारीख को मारपीट हुई, उस दिन क्या बात हुई थी? ये डायरेक्ट मारुति खड़ी किए और हम अपने कुर्सी पे बैठे थे, स्नान करने जा रहे थे। हमने सोचा थोड़ा कूलर में हवा ले लें, उसके बाद मैं नहाने जाऊंगा। तब तक ये मारुति खड़ी करके आ गए और आते ही बोले, शिवभुवन तिवारी आपका गर्मी उतार देंगे, आप यहाँ बहुत रंगबाजी कर रहे हो, और बेल्ट निकाले और मारना चालू कर दिया। हम बार बार पूछ रहे थे कि मिश्रा दीवान जी क्या बात है, लेकिन इन्होंने बताया नहीं, मारना मारते ही रहे। और दूसरा एक आदमी ये सादी वर्दी में लिए थे, ये मनोज दुबे नाम करके है, और इसको हम जानते नहीं है। इनके साथ में मारुति में बैठ के घूमता रहता है, लोग लाग बताते हैं कि अपना गोलकुशी भी करवाता है। अच्छा, ये बताइए कि आपने कहीं उसके अधिकारियों को शिकायत की बात की? शिकायत पुलिस चौकी और पुलिस चौकी में दरोगा जी से बताया, उसके बाद फिर हम कहीं नहीं बताए, हम सीधे वहाँ पहुँच गए। कहाँ? कमिश्नर साहब के पास। एप्लीकेशन दी है? जी। तो कोई एक्शन हुआ अभी? अभी तो कुछ नहीं हुआ। इनके खिलाफ भी कोई कार्रवाई नहीं? कोई कार्रवाई नहीं। आप सरकार से क्या मांग क्या चाह रहे हैं? हमारे साथ न्याय होना चाहिए सर। ठीक है, ऐसा क्यों कर रहे थे ये? आपको प्रताड़ित क्यों करते हैं? कह रहे थे कि हमको ये गाली दे रहे थे, हमारा इनका कोई नाजायज लफड़ा नहीं है, कभी लफड़ा नहीं है, ये आना सिर्फ का ही आए और हमसे बोल गए। शराब पी के रखी थी, ये दो आदमी थे, एक प्राइवेट शराब पिया था, मिश्रा जी भी शराब पिए थे। मिश्रा जी कौन है? वो अखिलेश मिश्रा, शराब जो पिए थे, सिपाही। सिपाही बताइए।